नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं कड़म का कश्मीरी साग बनाने जा रही हूँ। ये कश्मीर में हर रोज़ बनता है, हर घर में। जो कश्मीर में बनाया जाता है उसमें अक्सर खाली नमक डाल के बनाया जाता है, लेकिन मैं इसमें 3 पाव मैंने कड़म लिए, इसको मैंने धो के ये छील लिया है, एक एक पत्ते को अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया है। और इसमें मैंने 6 टमाटर लिए हैं और 6 हरी मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने गैस में कुकर चढ़ा दिया है। ये साग सरसों के तेल में बनता है। तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि जो ये पत्ते हैं इनको अच्छे से तेल में फ्राई करना होता है। ये तेल मेरा हो गया है गरम। इसमें मैं ये पत्ते डाल दे रही हूँ। मैं गैस कम कर देती हूँ। ये वाले पत्ते मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह से तेल इसका ऐसे निठार निठार के इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। और जो कश्मीर में जो जिस तरह से बनाया जाता है, खाली इसमें नमक डाला जाता है। ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं जो ये और बचा हुआ है ये भी इसमें डाल के इसको सेक लेती हूँ। ये मैंने पत्ते वगैरह पूरे फ्राई कर लिए हैं। और ये अब इसमें मैंने लास्ट में गांठ गोभी डाल दी है। और जो मैंने हरी मिर्च काटी थी वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये मेरी जो गांठ गोभी थी कड़म, ये भी सिकने वाला है। इसमें मैंने हरी मिर्च जो शुरू में दिखाई थी वो काट कर वो भी डाल दी है। ये सिक जाए तो इसमें मैं ये जो मैंने पहले फ्राई करा था उसको भी डाल दूंगी। और ये जो मैंने टमाटर दिखाए थे ये टमाटर भी डाल के इसमें 1 गिलास पानी, स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको 5-6 सीटी तक आने तक पकाऊंगी। ये मेरे अच्छे से सिक गया है। मैं गैस कम कर देती हूँ। ये जो मैंने पहले तले थे ये भी इसमें मैं डाल दे रही हूँ। जो टमाटर काटे थे ये सब इसमें डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक। एक गिलास पानी। और इसको मैं 5-6 सीटी आने तक पका लूँगी। ये टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। ये चावल के संग खाने में बहुत टेस्टी होती है। आज दिन के खाने में हम कश्मीरी साग और चावल खाएंगे। लीजिए दोस्तों, मेरा कड़म का साग बनकर तैयार है।